मेरा नाम नाजिम हुसैन है। मैं भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का सबसे छोटा बेटा हूँ। तबला बजाता हूँ, 36 साल उनके साथ तबला बजाया है। और अभी पिछले 2 साल पहले मुझे यूपी सरकार ने यश भारती से भी सम्मानित किया है। ये जिसने भी ऐसा किया वो एक नंबर का मक्कार, फरेब, झूठा होगा, राजनीति से जुड़ा होगा, अपने फायदे के लिए उस बिस्मिल्लाह खान साहब के जैसे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जिसने भी ये किया है, सबसे पहले जिसने भी किया, भाई था, हम उनके बेटे अभी हैं और हम एज ए आर्टिस्ट हैं, दुनिया जानती है मुझे। जो भी इस तरह की बात होगी, सबसे पहले मीडिया हमसे पूछेगा कि अरे अरे नथु हरे की बात सुनेगी। उन्होंने परिवार वालों का वर्जन भी छाप तो रखा है। परिवार वालों का नाम नहीं है ना परिवार में, तो उनके पता नहीं कौन कौन परिवार। अब तो ऐसा है कि जो परिवार से कोई संबंध ही नहीं है, जी, जिनको हम जानते भी नहीं है, वो भी बिस्मिल्लाह खान साहब के रिश्तेदार बन गए हैं, बन जाते हैं। जिला प्रशासन को भी किया, उसके हम इंक्वायरी कराए कि जिसने भी यह खबर फैलाई वो एक नंबर का झूठा फरेब मक्कार है, झूठी खबरें है। यह बिस्मिल्लाह खान साहब गुजर गए, बजाय उनकी इज्जत को बनाने के लिए और बदनाम करने के लिए उनका अवार्ड वापस करा। कसम से बता रहा, अगर वो आदमी मेरे सामने आ गया तो क्या हम उस वक्त करेंगे, या हम खुद भी नहीं बता सकते जिसने यह खबर चलाई है। अगर हम खास मैं इसकी इंक्वायरी चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करे CID, CBI इंक्वायरी कि ये गूगल पे या इंटरनेट पे ये न्यूज़ दिया किसने, उसका नाम हमें पता चलना चाहिए।